नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ट्विटर लॉक होने पर अब राहुल गांधी ने ट्विटर को धमकी दे डाली है। उन्होंने कहा है कि राजनीति में दखल दे रही है कंपनी, इतना ही नहीं ट्विटर को इसका अंजाम भुगतना होगा, ये भी राहुल गांधी की ओर से कहा गया है। लेकिन अब देश ये मांग कर रहा है कि राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट लॉक नहीं बल्कि सस्पेंड होना चाहिए, क्योंकि जो गलती उन्होंने की है, जो अपराध उन्होंने किया है, उसके लिए उन्हें जेल जाना चाहिए, ये लगातार लोग कह रहे हैं। तो एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, ये कहावत राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर बिल्कुल सटीक बैठती है। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट लॉक होने के बाद अब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी चिट्ठी लिखी है, जिसमें मांग की गई है कि राहुल गांधी के फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अब ट्विटर के बाद कहीं ना कहीं राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सक्रिय हो गई है। और वहां जिस तरीके से रेप पीड़िता की पहचान को उजागर किया जा रहा है, जो कि भारतीय कानून का उल्लंघन है, इस वजह से अब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने फेसबुक और इंस्टाग्राम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उन्हें चिट्ठी लिखकर यह मांग की है कि राहुल गांधी के इन अकाउंट्स पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी, जो कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्होंने एक नाबालिग रेप पीड़िता की जो परिवार की पहचान को उजागर किया है, जिस तरीके से उनकी पहचान से समझौता करने का काम कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की ओर से किया गया, और ट्विटर ने इस पर बड़ी कार्रवाई करते हुए राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट को लॉक कर दिया। लेकिन उसके बाद अब जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई है, और मैं भी राहुल गांधी, ये ट्रेंड ट्विटर पर कांग्रेस के नेताओं की ओर से चलाया गया, और ना जाने कितने ऐसे ट्विटर अकाउंट हैं जिन पर जो नाबालिग रेप पीड़िता थी दिल्ली की, उसकी परिवार की फोटो को शेयर किया गया। ये ना सिर्फ कानून का उल्लंघन था बल्कि पॉक्सो एक्ट का भी उल्लंघन कांग्रेस पार्टी की ओर से किया गया, जिसके बाद ट्विटर ने एक्शन लिया और तमाम कांग्रेस के कई नेताओं के ट्विटर अकाउंट को लॉक कर दिया गया। राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट पहले से ही लॉक है, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उसे भी लॉक कर दिया गया है। लेकिन उसके बाद अब राहुल गांधी की इस पर पहला रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने अपने जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उसमें दरअसल एक वीडियो पोस्ट किया है, और जिसका जो टाइटल है उन्होंने दिया है ट्विटर का डेंजरस गेम। और इस वीडियो को जारी करते हुए राहुल गांधी ने ट्विटर को न सिर्फ उस पर आरोप लगाए बल्कि धमकी भी दे डाली। राहुल गांधी ने कहा कि ट्विटर उनका अकाउंट बंद करके भारत की राजनीति में हस्तक्षेप कर रहा है। एक कंपनी हमारी राजनीति को परिभाषित करने के लिए अपना व्यवसाय बना रही है, ये राहुल गांधी की ओर से कहा गया। उन्होंने कहा कि एक राजनेता के रूप में मुझे ये पसंद नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर हमला है। राहुल गांधी ने इस वीडियो में कहा कि आप नहीं जानते कि आप बस राहुल गांधी को बंद नहीं कर रहे हैं, कि मेरे 19 से 20 मिलियन फॉलोअर्स हैं और उन्हें एक राय के अधिकार से वंचित किया जा रहा है, आप यही कर रहे हैं। तो ट्विटर पर तमाम बड़े आरोप राहुल गांधी की ओर से लगाए गए। लेकिन आपको बता दें, इसके साथ केंद्र सरकार को भी घेरा गया। दरअसल ये एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की ओर से दोहराया क्या है कि दरअसल सरकार के इशारे पर ट्विटर के सब कुछ कर रहा है। जो मौजूदा सरकार कहती है ट्विटर सिर्फ वही सुनता है, एक पक्षपाती प्लेटफॉर्म है ट्विटर। ये राहुल गांधी की ओर से तमाम बड़े आरोप ट्विटर पर लगाए गए। लेकिन सवाल यही है कि राहुल गांधी ने एक तो कानून का उल्लंघन किया है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन नहीं किया है, पॉक्सो एक्ट का उल्लंघन राहुल गांधी ने किया है, जिसमें अगर सजा के प्रावधान की बात की जाए तो 6 महीने से 1 साल तक की सजा राहुल गांधी को इस पूरे मामले में आने वाले वक्त में हो सकती है। इस पर कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी माफी मांगने के बजाय अब केंद्र सरकार पर ही हमलावर हो रहे हैं, ट्विटर पर ही ये तमाम बड़े निशाने जो है वो साधे जा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि इस हरकत से ट्विटर ने यह साबित कर
किया है कि वो न्यूट्रल प्लेटफॉर्म नहीं है, निवेशकों के लिए ये खतरनाक चीज है क्योंकि राजनीतिक मुकाबले में किसी की साइड लेना ट्विटर के लिए गलत अंजाम हो सकता है। इस तरीके की धमकी राहुल गांधी अब माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को दे रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि लगातार सवाल ये भी उठ रहे हैं कि दरअसल जब कुछ वक्त पहले ट्विटर को भारत में बैन करने की बात हो रही थी तब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही थी क्योंकि जाहिर तौर पर उस वक्त एक कांग्रेस पार्टी की जो टूलकिट सामने आई थी और उस टूलकिट को संबित पात्रा और बीजेपी के कई नेताओं ने शेयर किया था जिनके ट्वीट पर मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगा दिया गया और उस वक्त कांग्रेस पार्टी को ट्विटर एक पक्षपाती प्लेटफॉर्म नजर नहीं आया। उस वक्त ट्विटर का गुणगान कांग्रेस पार्टी की ओर से किया गया लेकिन आज जब ट्विटर ये कह रहा है कि राहुल गांधी ने नियमों को ताक पर रखा है, ट्विटर के नियमों का उल्लंघन किया गया है, उन्होंने भारत के जो कानून हैं, जो ट्विटर अब मान रहा है लगातार उसका पालन कर रहा है, उनका उल्लंघन राहुल गांधी की ओर से किया गया है, तो ऐसे में ट्विटर की ओर से ये बड़ी कार्रवाई हुई है और यही वजह है कि लगातार कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट बढ़ रही है क्योंकि अब भारत के कानून के मुताबिक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर काम कर रहा है और यही कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी बौखलाहट है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी ने जितना बड़ा अपराध किया है, उन्होंने नाबालिग रेप पीड़िता के परिवार के फोटो को उजागर किया है, उनके माता पिता के चेहरे को दिखाया है जो कि कानून का उल्लंघन है जाहिर तौर पर, और ऐसे में ट्विटर अकाउंट लॉक नहीं बल्कि सस्पेंड होना चाहिए, ये लगातार मांग हो रही है। कांग्रेस पार्टी इसके लिए माफी मांगे के मांग भी लगातार की जा रही है लेकिन तस्वीर इसके उलट है। दरअसल कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर अब अपने ट्विटर अकाउंट का नाम चेंज कर चुके हैं, राहुल गांधी के नाम पर अपने ट्विटर अकाउंट को अब चला रहे हैं, यानी एक तरीके से समर्थन जो है वो कांग्रेस के नेता के लिए जताया जा रहा है। लेकिन आखिर क्यों कानून की धज्जियां उड़ाई गई, क्यों पॉक्सो एक्ट जो है उसका उल्लंघन किया गया, ये तमाम सवाल है जिस पर जवाब फिलहाल कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के पास नहीं है। और इस तरीके से तमाम बड़े आरोप जो है उन्होंने इस वीडियो को जारी करते हुए लगाए हैं। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने कहा है कि हमारे लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, हमें संसद में बोलने की अनुमति नहीं है। उन्होंने कहा कि मीडिया नियंत्रित है और मुझे लगा कि कोई प्रकाश की किरण है जहां हम जो सोचते हैं उसे ट्विटर पर डाल सकते हैं लेकिन जाहिर है ऐसा नहीं है, ये राहुल गांधी की ओर से कहा गया है। तो एक तरफ सदन में सदन की कार्यवाही ना चलने दिया जाए, लगातार हंगामा बरपाया जाए, वहां उपद्रव और गुंडागर्दी की जाए और उसके उलट ये कहा जाए कि हमें संसद में बोलने की अनुमति नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी अब पूरी तरीके से बेनकाब हो चुकी है। संसद चाहे फिर लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, दोनों ही सदन में किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने गुंडागर्दी की है ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं। वहां किस तरीके से महिला मार्शल के साथ बदसुलूकी कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दलों के सांसदों ने की है ये भी साफ तौर पर सीसीटीवी फुटेज में खुलासा हो चुका है। तो कांग्रेस पार्टी जो झूठ की राजनीति कर रही है और जो अपने राजनीतिक फायदे के लिए अब रेप पीड़िता के परिवार की पहचान से समझौता कर रही है, वो कांग्रेस पार्टी आखिर देश को कैसे चला सकती है, ये सबसे बड़ा सवाल है जो कानून की ही लगातार धज्जियां उड़ा रही हैं। तो फिलहाल ना सिर्फ ट्विटर पर निशाना साधा किया है बल्कि ट्विटर की आड़ में अब केंद्र सरकार को भी लपेटा जा रहा है। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से आईटी मंत्री की ओर से, यहां तक कि आईटी मंत्रालय की ओर से ये लगातार ट्विटर से गुजारिश की गई थी कि वो भारतीय कानून के मुताबिक काम करे और इस तरीके से जो लगातार ट्विटर ने कहीं ना कहीं बीते दिनों जो व्यवहार अपना दिखाया है उसमें तब्दीली की जाए और उसके बाद जब भारतीय कानून के मुताबिक ट्विटर भारत में काम कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी बौखलाहट में अब केंद्र सरकार को घेर रही है। राहुल गांधी ने अपने इस वीडियो में देशवासियों से अपील करते हुए कहा है कि हमें सवाल पूछना चाहिए कि क्या हम कंपनियों को अपनी राजनीति तय करने का अधिकार दे सकते हैं क्योंकि
सरकार उनके साथ है? तो ये सवाल राहुल गांधी कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी के इस वीडियो पर अब ट्विटर ने भी जवाब दिया है। उनकी एक बार फिर से प्रतिक्रिया सामने आई है। कंपनी ने एक बार फिर यही दोहराया है कि उसने न्यायिक तौर पर बिना किसी पक्षपात के ये बड़ी कार्रवाई की है। ट्विटर का साफ तौर पर कहना है कि उसने उस तस्वीर को लेकर एक्शन लिया है जिसे राहुल गांधी समेत सैकड़ों अकाउंट से शेयर किया गया था। ये तस्वीर हमारे नियमों और भारत सरकार के नियमों का उल्लंघन करती है। ट्विटर ने साफ तौर पर जवाब दिया है कि इस तरह की निजी जानकारियां और दूसरी चीजों के मुकाबले ज्यादा रिस्की होती है। हमारा लक्ष्य किसी भी व्यक्ति की प्राइवेसी और सेफ्टी का ख्याल रखना है। ये ट्विटर की ओर से राहुल गांधी को करारा जवाब दिया गया है। आपको यह भी बता दें कि राहुल गांधी के इस वीडियो पर लगातार जो बीजेपी के नेता हैं उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आई है, और सवाल यही है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को जिस पूरे अपराध पर माफी मांगनी चाहिए उस पर माफी मांगने के बजाय वो उल्टा ट्विटर को ही इस तरीके से धमकी दे रही है कि अंजाम भुगतना होगा। तो ये आखिर कहां का रवैया है, किस तरीके की राजनीति है, यही सवाल लगातार पूछा जा रहा है। और बीजेपी ये सवाल भी कर रही है कि अगर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी है तो क्या इस पूरे मामले में उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। साफ तौर पर कहा गया है कि उन्होंने पॉक्सो एक्ट तोड़ा है, उन्हें कानून का उल्लंघन किया है, तो ऐसे में अब पुलिस को भी राहुल गांधी पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इसके अलावा बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा का ट्वीट भी सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए लिखा है कि बर्बाद कांग्रेस करने को बस एक ही राहुल काफी था, हर साख में बैठा है राहुल गांधी, अंजाम में कांग्रेस क्या होगा ये आने वाले वक्त में देखना होगा। जाहिर तौर पर क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अब मोर्चा खोल दिया है और ट्विटर पर राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी ये तमाम जो ट्विटर अकाउंट है कांग्रेस पार्टी के उस पर नजर आ रहा है, लेकिन सवाल यही है कि क्या एक मासूम बच्ची के साथ हुई हैवानियत पर कांग्रेस पार्टी इस तरीके से राजनीति करेगी, क्या यही कांग्रेस पार्टी का चरित्र है? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि मासूम की जिंदगी से जिस तरीके की हैवानियत की गई है वो अपने आप में शर्मसार करती है पूरे देश को, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो इस पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।